साल का पहला महीना जनवरी खत्म हो चुका है और मेरे पास जनवरी के महीने की कार सेल्स के डेटा आ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया में जनवरी 2022 में बिकने वाली टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो एंड तक जरूर देखना। मैं हूं आपका दोस्त मितेश सोनी और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 25th पोजीशन पर आई है होंडा सिटी, जिसकी 3950 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जनवरी 2022 में। पिछले साल जनवरी में होंडा सिटी की 3667 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले होंडा सिटी की 8% सेल्स ज्यादा हुई है। होंडा वालों की होंडा सिटी एक ऐसी कार है जो हर महीने टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स के लिस्ट में आती ही आती है। 24th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की XUV 700, जिसकी 4119 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जनवरी के महीने में। पिछले साल का इसका डेटा नहीं है क्योंकि ये 14 अगस्त 2021 को लॉन्च हुई थी। महिंद्रा XUV 700 की बिक्री का आंकड़ा इससे भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन महिंद्रा वाले इसकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए ये 24th पोजीशन पर डली हुई है। 23rd पोजीशन पर आई है टाटा की अल्ट्रोज, जिसकी 4525 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जनवरी के महीने में। पिछले साल जनवरी में अल्ट्रोज की 7378 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले अल्ट्रोज की 39% सेल्स कम हुई है। कहीं से भी उठा के देख लो, टाटा अल्ट्रोज हैचबैक सेगमेंट में लुक्स के हिसाब से, फीचर्स के हिसाब से, सेफ्टी के हिसाब से सबसे अच्छी कार है, लेकिन हर महीने ये अपनी पोजीशन से लुढ़कती ही जा रही है और आज 23rd पोजीशन पर आ चुकी है। 23rd पोजीशन पर आई है महिंद्रा की XUV 300, जिसकी 4550 यूनिट बिकी है पूरे भारत में जनवरी 2022 में। पिछले साल जनवरी में महिंद्रा XUV 300 की 4612 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले XUV 300 की 1% सेल्स कम हुई है। 21st पोजीशन पर आई है महिंद्रा की थार, जिसकी 4646 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जनवरी के महीने में। पिछले साल जनवरी में महिंद्रा थार की 3152 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले महिंद्रा थार की 47% सेल्स ज्यादा हुई है। महिंद्रा थार से मुझे याद आया कि टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट में आने वाली महिंद्रा की एक गाड़ी आज इस लिस्ट में नहीं है और वो है महिंद्रा स्कॉर्पियो। अब महिंद्रा को जरूरत है कि स्कॉर्पियो का नेक्स्ट जनरेशन जल्द से जल्द लॉन्च करे। 20th पोजीशन पर आई है टाटा की टियागो, जिसकी 5195 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जनवरी के महीने में। पिछले साल जनवरी में टाटा टियागो की 6909 यूनिट्स बिकी थी पूरे भारत में। पिछले साल के मुकाबले टाटा टियागो की 25% सेल्स कम हुई है। टाटा ने 19 जनवरी को टाटा टियागो का CNG वर्जन पेश किया है। अब देखते हैं अगले महीने इसकी सेल्स में इम्प्रूवमेंट दिखता है या नहीं। 19th पोजीशन पर आई है होंडा की अमेज, जिसकी 5395 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जनवरी के महीने में। पिछले साल जनवरी में होंडा अमेज की 5477 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले अमेज की 1% सेल्स कम हुई है। 18th पोजीशन पर आई है मारुति की एस्प्रेसो, जिसकी 6292 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जनवरी के महीने में। पिछले साल जनवरी में मारुति एस्प्रेसो की 6893 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले एस्प्रेसो की 9% सेल्स कम हुई है। मैं आपको एक बात बता दूं कि मारुति एस्प्रेसो ने ग्लोबल NCP क्रैश टेस्ट में अब तक का सबसे खराब 0 out of 5 स्टार्स का स्कोर किया था, फिर भी ये गाड़ी एक 5 स्टार गाड़ी से भी ज्यादा बिकी है। 17th पोजीशन पर आई है हुंडई की i20, जिसकी 6505 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जनवरी के महीने में। पिछले साल जनवरी में हुंडई i20 की 8505 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले i20 की 24% सेल्स कम हुई है। i20 की सेल्स के गिरने का सबसे बड़ा रीजन इसकी प्राइसेस है, जो कि ओवर प्राइस है। 16th पोजीशन पर आई है मारुति की बलेनो,
जिसकी 6791 6791 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जनवरी 2022 में। पिछले साल जनवरी में मारुति बलेनो की 16648 16648 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले बलेनो की 59% सेल्स कम हुई है। मारुति की बलेनो हर महीने 1 से 3 की लिस्ट में आई जाती थी, लेकिन इस महीने ये सीधा 16 पोजीशन पर आ चुकी है। इसका एक रीजन हो सकता है कि इसका फेसलिफ्ट बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है, जो कि इसी महीने लॉन्च होगा। 15 पोजीशन पर आई है हुंडई की ग्रैंड आई 10 नियोस, जिसकी 6841 6841 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जनवरी 2022 में। पिछले साल जनवरी में ग्रैंड आई 10 नियोस की 10865 10865 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले ग्रैंड आई 10 नियोस की 37% सेल्स कम हुई है। 14 पोजीशन पर आई है किया की सोनेट, जिसकी 6904 6904 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जनवरी 2022 में। पिछले साल जनवरी में किया सोनेट की 8859 8859 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले किया सोनेट की 22% सेल्स कम हुई है। 13 पोजीशन पर आई है मारुति की सिलेरियो, जिसकी 8279 8279 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जनवरी 2022 में। पिछले साल जनवरी में सिलेरियो की 6963 6963 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले सिलेरियो की 19% सेल्स ज्यादा हुई है। मारुति ने क्लेम किया है कि सिलेरियो इंडिया की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली पेट्रोल कार है, लेकिन उनको ये कौन बताए कि माइलेज के चक्कर में उन्होंने इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी को कागज के बराबर कर दिया है। ये बात जनता को समझनी चाहिए, उनको नहीं। 12th पोजीशन पर आई है मारुति की ब्रेजा, जिसकी 9576 9576 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जनवरी के महीने में। पिछले साल जनवरी में मारुति ब्रेजा की 10623 10623 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले ब्रेजा की 10% सेल्स कम हुई है। 11th पोजीशन पर आई है हुंडई की क्रेटा, जिसकी 9869 9869 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जनवरी 2022 में। पिछले साल जनवरी में क्रेटा की 12284 12284 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले क्रेटा की 20% सेल्स कम हुई है। क्रेटा एक ऐसी कार थी जो हर महीने टॉप 10 की लिस्ट में आती ही आती थी, लेकिन इस महीने ये टॉप 10 के लिस्ट से बाहर हो चुकी है। चलिए अब बात कर लेते हैं इंडिया में बिकने वाली टॉप 10 गाड़ियों के बारे में। 10th पोजीशन पर आई है टाटा की पंच, जिसकी 10027 10027 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जनवरी 2022 में। इसका पिछले साल का डेटा नहीं है, ये इंडिया की अब तक की सबसे सेफेस्ट कार है और मुझे गर्व है कि ये टॉप 10 के लिस्ट में आ चुकी है। 9th पोजीशन पर आई है मारुति की इको, जिसकी 10528 10528 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जनवरी 2022 में। पिछले साल जनवरी में इको की 11680 11680 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले इको की 10% सेल्स कम हुई है। 8th पोजीशन पर आई है हुंडई की वेन्यू, जिसकी 11377 11377 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जनवरी 2022 में। पिछले साल जनवरी में हुंडई वेन्यू की 11779 11779 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले हुंडई वेन्यू की 3% सेल्स कम हुई है। 7th पोजीशन पर आई है किया की सेल्टोस, जिसकी 11483 11483 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जनवरी 2022 में। पिछले साल जनवरी में सेल्टोस की 9869 9869 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले सेल्टोस की 16% सेल्स ज्यादा हुई है। इसी साल के आखिर तक किया सेल्टोस का फेसलिफ्ट भी आने वाला है। 6th पोजीशन पर आई है मारुति की अर्टिगा, जिसकी 11847 11847 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जनवरी 2022 में। पिछले साल जनवरी में अर्टिगा की 9565 9565 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले मारुति अर्टिगा की 24% सेल्स ज्यादा हुई है। मारुति की तरफ से ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है
और इसकी सेल्स इतनी होना लाजमी भी है। फिफ्थ पोजीशन पर आई है मारुति की ऑल्टो, जिसकी 12,342 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जनवरी 2022 में। पिछले साल जनवरी में मारुति ऑल्टो की 18,260 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले ऑल्टो की 32% सेल्स कम हुई है। मारुति की तरफ से अल्टो भी एक ऐसी कार है जिसने सबसे खराब 0 out of 5 स्टार स्कोर किए थे, फिर भी ये गाड़ी इंडिया की फिफ्थ बेस्ट सेलिंग कार है। फोर्थ पोजीशन पर आई है टाटा की नेक्सॉन, जिसकी 13,816 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जनवरी 2022 में। पिछले साल जनवरी में नेक्सॉन की 8,225 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले नेक्सॉन की 68% सेल्स ज्यादा हुई है। टाटा नेक्सॉन इंडिया की पहली ऐसी कार थी जिसने 5 out of 5 स्टार स्कोर किए थे, और एक अच्छी बात है कि सेफ्टी को लेकर इंडियन कस्टमर्स 5 स्टार वाली गाड़ी को पसंद कर रहे हैं। थर्ड पोजीशन पर आई है मारुति की डिजायर, जिसकी 14,967 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जनवरी 2022 में। पिछले साल जनवरी में मारुति डिजायर की 15,125 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले डिजायर की 1% सेल्स कम हुई है। अगस्त 2021 में मारुति स्विफ्ट ने क्रैश टेस्ट में 0 out of 5 स्टार स्कोर किए थे, और वो क्रैश टेस्ट पूरी तरह डिजायर के लिए वैलिड था, तो डिजायर भी एक 0 star गाड़ी हुई, फिर भी ये इंडिया की थर्ड बेस्ट सेलिंग कार है। सेकंड पोजीशन पर आई है मारुति की स्विफ्ट, जिसकी 19,108 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जनवरी 2022 में। पिछले साल जनवरी में मारुति स्विफ्ट की 17,180 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले मारुति स्विफ्ट की 11% सेल्स ज्यादा हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मारुति स्विफ्ट ने 0 out of 5 स्टार स्कोर किए थे, फिर भी ये हर महीने सेकंड पोजीशन पर आती ही आती है। पता नहीं इंडिया की जनता के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। इसी सेगमेंट में इससे भी अच्छी अच्छी गाड़ियां मिलती है, फिर भी सबको सिर्फ मारुति स्विफ्ट ही दिखती है। चलिए अब बात कर लेते हैं इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी के बारे में। फर्स्ट पोजीशन पर आई है हमेशा की तरह मारुति वैगनार, जिसकी 20,334 यूनिट बिकी है जनवरी 2022 में। पिछले साल जनवरी में वैगनार की 17,165 यूनिट बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले वैगनार की 18% सेल्स ज्यादा हुई है। फर्स्ट पोजीशन पर आने वाली गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग आपको जरूर जाननी चाहिए। मारुति वैगनार ने ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट में बिलो एवरेज 2 out of 5 स्टार स्कोर किए थे। जब भी कोई नई गाड़ी ले तो प्लीज सेफ्टी को इम्पोर्टेंस जरूर दे, क्योंकि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम हो जाएगा, आपकी जिंदगी का नहीं होगा, आपकी जिंदगी आपको वापस नहीं मिलेगी। दोस्तों, ये थी बात इंडिया में जनवरी 2022 में बिकने वाली टॉप 25 बेस्ट सेलिंग्स कार के बारे में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है, वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।